नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर आ रही है, संतोष मांझी के घर में आग लगी है। जी हां, जीतन राम मांझी के बेटे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, एससी एसटी कल्याण मंत्री हैं, उनके घर में भीषण आग लगी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आप देख सकते हैं, वीडियोज देख सकते हैं कि किस तरह से घर में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि एसी में अचानक आग पकड़ने से घर में आग भभक गई, और आप तस्वीरों में वीडियोस में देख सकते हैं कैसे आग जो है भीषण आग लगी है संतोष मांझी के घर में। ये संतोष सुमन मांझी जो हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं, अपने घर में थे उस वक्त, अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जा रहा है, और एसी के पास कहीं शॉर्ट सर्किट में आग लगने की वजह से धू धू कर जल उठा। नीचे का जो पोर्शन है आप देख सकते हैं आग की भयावहता कितनी है। तो संतोष सुमन मांझी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनके आवास पर भीषण आग लग गई। सुबह के वक्त की खबर है, अभी थोड़ी देर पहले की वक्त, थोड़े ही देर पहले 8:30 बजे के लगभग अचानक आग लग गई। अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे उस वक्त संतोष सुमन मांझी, उसी वक्त अचानक से आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। पहले सबसे पहले घर में जो लोग मौजूद थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, और उसके बाद आग पर काबू करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से उनके परिवार के घर के लोग जो मौजूद थे घर के अंदर, उन्हें आनंद फानन में निकाला गया जल्दबाजी में, और आग पर काबू पर करने की कोशिश, जो वहां पर मौजूद थे सरकारी आवास में कर्मचारी, उन्होंने कोशिश की, और इसी दौरान फायर स्टेशन को सूचना दी गई। दमकलकर्मी भी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुटे गए। तो इस वक्त कि हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले संतोष सुमन मांझी के आवास पर भीषण आग लग गई। आग की तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से आग भयावह है। और उस वक्त जो मंत्री हैं संतोष सुमन मांझी, वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी आग बुझाने की कोशिश की। तस्वीरों में आप उन्हें भी देख सकते हैं अपने तमाम स्टाफ्स के साथ, वो भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, मंत्री जी भी। तो आग देख सकते हैं कि किस तरह से संतोष सुमन मांझी जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उनके सरकारी आवास में अचानक आग लगी। सुबह के वक्त की ये घटना है, उसके बाद अफरा तफरी काफ़ी देर तक कायम रही। अब बताया जा रहा है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। बिंदु जी, बहुत अच्छा लगा।